देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ आश्रम में रहती थी। एक दिन कपिल भगवान प्रसन्न मुद्रा में विराजमान थे तो माँ देवहूति ने अपने पुत्र कपिल के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके देवहूति ने कहा, हे भगवान, मेरी अविद्या की निवृत्ति, मेरे अज्ञान की निवृत्ति हो, ऐसा आप हमें उपदेश करो। देवहूति के पूछने पर कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को उपदेश किया। कपिल भगवान कहते, माँ, माया की निवृत्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए, बंधन की निवृत्ति के लिए जीव को योग प्राप्त करना चाहिए। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय मे, निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक योग हमारे जीवन में आ जाए। देवहूति ने पूछा, ये आध्यात्मिक योग कैसे प्राप्त होता है? तो कपिल भगवान ने कहा, इसके लिए कुसंग का त्याग करके सत्संग करना चाहिए। मैं केवल सूत्र बता रहा हूं, कथा बहुत है, आज तीसरा दिन है, कल कृष्ण जन्म होना है, चौथा स्कंद, पांचवा, छठा, सतवां, आठवां, ये सब अभी कथा करनी है, इसलिए केवल मैं सूत्र सूत्र आपको कह रहा हूं, व्याख्या करने का अवसर नहीं। कपिल भगवान ने कहा, मां, आध्यात्मिक योग को प्राप्त करने के लिए जीव को कुसंग का त्याग करके सत्संग करना चाहिए, क्योंकि कुसंग ऐसा पाश है जिस पाश में बंध जाने पर व्यक्ति छूट नहीं पाता है। कपिल भगवान कहते हैं कि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवयो विदुहु, प्रसंगम अजरम पाशम, ये कुसंग ऐसा अजर पाश है जिससे मुक्त होना बड़ा कठिन है। कुसंग अगर लग गया तो फिर भगवान ही बचावे, चाह करके व्यक्ति भी उस कुसंग से बच नहीं पाता, इसलिए पहले से ही जो सावधान रहता है वही बच पाता। और कुसंग जीवन में न हो, संतों का संग मिल जाए, तो कपिल भगवान कहते हैं कि सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, अगर साधु का संग मिल जाए, संतों का संग मिल जाए, तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है, मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रश्न हुआ, साधु कौन, किसको संत कहते हैं, संत की परिभाषा क्या है? तो कपिल भगवान ने संत की भी परिभाषा बताई कि तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात सत्रव शांता साधव साधु भूषण, जो तितिक्षु हो, कारुणिका, जिनके जीवन में करुणा हो, जो सुहृद सर्वदेहिनाम, समस्त देहधारियों का जो सुहृद हो, प्राणी मात्र के प्रति जिसका सौहार्द हो, सुहृद सर्वदेहिनाम, अजात शत्रव शांता, जो अजात शत्रु, जो किसी को अपना शत्रु न मानता, ऐसा अजात शत्रु देखना, दर्शन करना भी बड़ा मुश्किल, ऐसे महापुरुष मिले बहुत मुश्किल। महाराज, कल कोई चर्चा चल रही थी तो श्री भागवतानंद जी आए थे तो महाराज श्री कह रहे थे हमारे गुरुदेव जी के विषय में, श्री ब्रह्मचारी जी के विषय में, कि ऐसे महापुरुष अजात शत्रु, वास्तव में बड़े बड़े महात्माओं में भी देखा जाता है कहीं ना कहीं किसी से उनका विरोध रहता है, किसी कारण से, भौतिक कारण से हो जाता है, लेकिन मैंने अपने गुरुदेव भगवान को देखा, पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, अजात शत्रु, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं और किसी के प्रति कोई असद्भाव नहीं। साधुता का यही स्वरूप है, अजात शत्रु शांता, जीवन में शांति हो, साधव साधुभूषणाः, ऐसे साधु, ऐसे संत, साधु समाज के भूषण,
और ऐसे संत जीवन में मिल जाए, उनका संग मिल जाए, तो मोक्ष द्वार मपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। इसीलिए कहा संत होना बड़ा कठिन है, संत का वेश बना लेना बड़ा सरल है। वेश बनाने में क्या लगा, लाल पीला कपड़ा पहन लो, दो चार रुपए का चंदन मिलेगा मत्थे पर लगा लो, दो चार मालाएं पहन लो, हो गए महात्मा। महात्मा का वेश तो बन जाएगा, लेकिन महात्मा होना बड़ा कठिन। महात्मा का मतलब जो हृदय से निर्मल हो और सहनशील हो, जिसके जीवन में त्याग हो, तप हो, तितिक्षा। इसलिए वेश बनाना सरल है, होना कठिन है। संत जन कहते हैं कि साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चकनाचूर। साधु होना बड़ा कठिन है। साधु की रहनी करनी क्या होती, श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सील गहनी सबकी सहनी, कहनी ही अमुख राम, तुलसी रहिए या रहनी, संत जनन को काम। सील गहनी सबकी सहनी, जीवन में शील हो और कोई कुछ भी कह दे सह लो, ऐसी सहनशीलता हो। सील गहन सबकी सहन, और कहन ही ये मुख राम, और हृदय से और मुख से भगवान नाम का उच्चारण हो। तुलसी रहिए या रहन, संत जनन को काम। ये तो भगवान ही कृपा करें तो जीवन में साधुता प्रतिष्ठित है। कपिल भगवान ने गाय से संत मिलते हैं, उनके दर्शन से, उनके मिलन से, उनके संसर्ग से मुझ परमात्मा के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है। संतों के मिलन से, उनके दर्शन से, उनकी कृपा से ही भगवत चरणों की प्रीति प्राप्त होती है। कपिल भगवान कहते मेरे चरणों की प्रीति प्राप्त हो जाती है जिसको, वह संसार की सारी कामनाओं को त्याग देता है, यहां तक कि वो मोक्ष की कामना भी नहीं रखता। मैं उसे मोक्ष देना भी चाहूं तो मोक्ष नहीं चाहता है, वो मेरी प्रीति को ही चाहता है। भैया भरत गंगा मैया से यही मांगते हैं त्रिवेणी संगम पर जाकर कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भगवान के चरणों की रति ही भक्त चाहता है, ऐसा प्रेम, ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती। आगे कपिल भगवान ने अपनी मां को सांख्य शास्त्र के तत्वों का उपदेश किया। सांख्य एक दर्शन है, जैसे न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा ये दर्शन है, उसी प्रकार सांख्य एक दर्शन है जिस दर्शन के प्रणेता कपिल भगवान। कपिल भगवान ने अपनी मां को सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति पुरुष का जो विवेचन है वो विवेचन सुनाया। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष, पुरुष ही ये जीवात्मा है और प्रकृति जो माया है, अविद्या है, जो भी कहो, प्रकृति से जो पुरुष का संबंध है ये संबंध छूट जाए यही मुक्ति है। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और यह प्रकृति इस पुरुष को स्वयं छोड़कर चली जाए, जैसे नायिका अपने नायक से लज्जित होकर स्वयं विमुख होकर के चली जाती है, उसी प्रकार यह प्रकृति पुरुष को छोड़ दे यही मुक्ति है। इन सारे सैद्धांतिक विषयों का वर्णन कपिल भगवान ने अपनी मां को सुनाया। प्रकृति के जो भेद हैं, पंचमहाभूत, पांच तन्मात्राएं, और उन पंचमहाभूत और पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न होने वाली पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, चार अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सारे भेदों का निरूपण करके अपनी मां देवहूति को समझाया।
और फिर साधक के लिए क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए इसका वर्णन करके सुनाया। अगर आप भक्ति योग में लगे हैं अथवा ज्ञान योग में लगे हैं, कर्म योग में लगे, किसी भी योग में आत्मकल्याण के लिए, निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या सावधानी? कपिल भगवान कहते हैं, माँ भक्ति योग में, ज्ञान योग में, किसी भी योग में लगे हुए व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने स्वधर्म की निष्ठा को दृढ़ करना चाहिए। जिस बात को गीता में भगवान कृष्ण ने बार बार कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह स्वधर्ममपि चावेक्षण विकम्पितुमर्हसि इत्यादि, उस अपने स्वधर्म की निष्ठा को दृढ़ करना चाहिए और शक्ति के अनुरूप अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्माचरणम सत्याभिधर्माच्च निवर्तनम, शक्ति के अनुकूल अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, विधर्म का त्याग करना चाहिए और दैवाल्लब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम, प्रारब्ध से जितना प्राप्त हुआ है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और आत्मविद चरणार्चनम, जो आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष हैं ऐसे महापुरुषों का आश्रय लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी सन्निधि को प्राप्त करना चाहिए। आगे कपिल भगवान ने कहा, मां पूरा जीवन चला जाता है, केवल खाने और जीने में ही जीवन चला जाता है। सुखदेव जी ने सर्वप्रथम राजा परीक्षित को यही उपदेश दिया, राजन मानो जीवन देखो कैसे बीत रहा है लोगों का। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च, रात्रि बीत जाती है सो करके और दिन बीत जाता है कुटुंब भरणेन च, परिवार का भरण पोषण कैसे, मरते दम तक यही तृष्णा लगी रहती कितना कर दें अपने बेटा बेटी के लिए नाती पोता के, इसी तृष्णा में व्यक्ति मरता रहता है। भगवान शंकराचार्य की कितनी सुंदर सूक्ति है, भगवान शंकराचार्य कहीं जा रहे थे, देखा एक बूढ़ा ब्राह्मण सिर हिल रहा था और बैठ करके व्याकरण के धातु पाठ को रट रहा था, डुक्रियां करने डुक्रियां करने डुक्रियां करने। शंकराचार्य जी ने सोचा इस बुढ़ापे में ये डुक्रियां करने और तिप्तस जी सिप्तस्थ मिब्बस मस्त ता ताम झा इन सूत्रों को रट करके क्या करेगा। पूछा, भाई सब ये क्यों कर रहे हो अब इस बुढ़ापे में? बोले कुछ पढ़ लेंगे तो कुछ शिष्यों को पढ़ाएंगे, कुछ करेंगे तो कुछ धन आएगा, धन की दृष्टि। भगवान शंकराचार्य को बड़ी पीड़ा हुई। भगवान शंकराचार्य ने कहा, प्राप्ते सन्निहिते मृत्यु नहीं नहीं रक्षते डुक्रिय करणे, मृत्यु सन्निकट आ गई ये डुक्रिय करणे तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति, हे मूढ़मति गोविंद का भजन कर। बालस्तावत क्रीड़ा सक्त तरुणस्तावत तरुणी रक्त, जब तक बच्चा था तब तक खेलने में लगा रहा, तरुणस्तावत तरुणी रक्त जवान हुआ तो तरुणी में आसक्ति हो गई, जवानी उसमें चली गई। वृद्धस्तावत चिंता मग्न, बुढ़ापा आया तो चिंताओं ने घेर लिया। पारे ब्रह्मण कोपि न लगता, उस परब्रह्म में तुमने अपने मन को नहीं लगाया, हे मूढ़मति भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। बोले अब क्या करें, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब कुछ कर नहीं पा रहे। बोले कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इतना कर लो, गेयम गीता नाम सहस्रम धेयम श्रीपति रूप मजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। कुछ न कर सको तो गीता का पाठ करो और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करो,
गेयम गीता नाम सहस्रम और ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम। श्रीपति भगवान के रूप का ध्यान करो और बन सके तो दीनहीनों की सेवा करो, सत्पात्र को दान करो, तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, मानव जीवन सफल हो जाएगा। परंतु ये जीवात्मा माया के प्रभाव में आकर अपने सारे कर्तव्य को भूल जाता है। फिर जब समय आता है, भगवान की कृपा होती है और उसे सत्संग मिलता है, तब इन सारे विषयों का उसे बोध होता है, तब वो भगवान के चरणों की ओर आगे बढ़ता है। यही जीव